16 मई को। ऐसे करेंगे पूजा तो खुशहाल रहेगा आपका वैवाहिक जीवन। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन्थ स्टेज। जी हाँ, सीता नवमी आने ही वाली है। इस पर आप सीता माता को व्रत करके किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं, आज इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। हर साल विशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर सीता नवमी पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि सीता नवमी के दिन ही माता सीता धरती से प्रकट हुई थी। यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं इस दिन भगवान राम और माता सीता की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करती हैं, ताकि उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो सके। विशाख मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 16 मई को सुबह 4:52 पर शुरू होगी। इसी के साथ इस तिथि का समापन 17 मई को सुबह 7:18 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए सीता नवमी 16 मई को ही मनाई जानी उचित मानी गई है। जी हाँ, सीता नवमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:08 से दोपहर 1:21 तक रहने वाला है। इस शुभ मुहूर्त में आप माता सीता की पूजा विधि विधान के साथ कर सकते हैं। अब बात करती हैं कि माता सीता की पूजा माता सीता नवमी के दिन कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है, उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है और आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण करने हैं। वहीं मंदिर की साफ सफाई करके आप चौकी पर लाल रंग का कपड़ा जरूर बिछा दें। इसके बाद आप भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा, जिस चौकी पर आपने लाल रंग का कपड़ा बिछाया है, उस चौकी पर माता सीता और श्री राम भगवान की कोई भी प्रतिमा या तस्वीर, जो भी आपके पास उपलब्ध हो कोई चित्र, उसे उस पर विराजित कीजिए। इसके बाद भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति को आप स्नान करवाइए। वहीं माता सीता के समक्ष आप दीपक भी जरूर जलाएं और माता को श्रृंगार भी अर्पित कीजिए, क्योंकि सुहागिन महिलाओं का एक प्रतीक होता है श्रृंगार, इसलिए इस दिन माता को श्रृंगार जरूर अर्पित कीजिए। वहीं माता सीता को फल, फूल, धूप, दीप, दुर्वा आदि भी जरूर अर्पित कीजिए। आखिर में आप भगवान राम और माता सीता की आरती कीजिए। इसके बाद माता सीता और श्री रामचंद्र भगवान से मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना भी कीजिए। वहीं माता सीता को खीर का भोग आप जरूर लगाएं और पीले रंग के वस्त्र माता सीता को इस दिन जरूर अर्पित कीजिए। इससे माता सीता आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। ध्यान रहे कि जो भी काम कर रहे हैं उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से ही कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।